नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आई है आज, यहाँ 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी। उत्तर प्रदेश की घोसी में नहीं चला योगी आदित्यनाथ का जादू, इंडिया पड़ गया भारी, उपचुनाव में ही दिखा इंडिया का दबदबा, तगड़ा झटका लग रहा है। पांचवें राउंड की गिनती पूरी, सुधाकर सिंह ने जबरदस्त तरीके से बनाई है बढ़त, 10,000 वोटों से पीछे हुए दारा सिंह। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, बंगाल में भी हारती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, पश्चिम बंगाल में लग रहा है तगड़ा झटका, करारा झटका लग रहा है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। त्रिपुरा में फिलहाल बीजेपी जो है वो त्रिपुरा में हुई है आगे, और कहां क्या है पूरा प्रोग्राम बताएंगे। अगली खबर निकल के आई है दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज, जहां आरा में चहलुम के ताजिया जुलूस पर पथराव का मामला निकल के आया है, क्या कुछ है पूरी खबर ये भी बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर दिल्ली में दोस्तों, दिल्ली में G20 समिट के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन खबर आई है, ये भी हम आपको बताएंगे। नूह में सख्ती, कहां सख्ती कहां ढील, ये भी हम आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने किया है बड़ा ऐलान, बताएंगे क्या कुछ रणनीति और तैयारियां हैं, प्रियंका गांधी कब करने जा रही हैं धमाकेदार एंट्री। और इन सब के बीच जो है वो राहुल गांधी आज यूरोपीय दौरे पर हैं, राहुल गांधी क्या कुछ है खबर, किससे मुलाकात की है यूरोपीय सांसदों से, क्या कुछ ऐलान हुआ है वो हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक एक करके आपको जान लेना बेहद जरूरी है, जहां अवैध खनन हो रहा है मध्य प्रदेश शासन में ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें घोसी उपचुनाव पांचवें राउंड की गिनती पूरी, सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने बनाई वोटों की जबरदस्त और बंपर बढ़त, 10,000 वोटों से हैं आगे, घोसी से लग रहा है तगड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, छठे राउंड की गिनती पूरी, सपा सुधाकर सिंह ने 8,000 से अधिक वोटों की बढ़त जो है वो बनाई हुई है। आपको बता दें घोसी में अगर बात करें तो 6 राउंड पूरे हो चुके हैं, 6 राउंड में अगर बात करें तो सुधाकर सिंह को 22,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं, जबकि दारा सिंह चौहान को महज 14,000 वोट मिले हैं। घोसी उपचुनाव की बात करें तो घोसी उपचुनाव की काउंटिंग 32 चरणों में होगी, बता दें इस सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव हुआ था। इतने नहीं, लोग अब राजभर पर पूरी तरीके से हमलावर हैं, लोग राजभर पर हमला बोल रहे हैं। लोगों का कहना है कि राजभर ने जो कहा था अब वो पूरी तरीके से उलट हो रहा है। घोसी उपचुनाव के 32 चरणों में होंगे, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है। मतगणना स्थल पर 14 टेबल बनाए गए हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से मतगणना स्थल में भारी पुलिस बल तैनात है। काउंटिंग के लिए 19 मतगणना टीमों के तैनात कर दिया गया है। कितना ज़्यादा जो है वो आप समझिए कि जिस दिन वोट डाले जाते थे मतदान के दिन, इतनी ज़्यादा जो है वो सिचुएशन ख़राब कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद अब जो है वो खास करके मतगणना से ठीक पहले जो है वो वहाँ हालात बेहद अब नॉर्मल हो चुके हैं। तमाम पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी बंपर जीत दर्ज करती नजर आ रही है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है घोसी के नज़रिए से, जो हम आपको बता रहे हैं छठे राउंड में 8,000 से ज़्यादा वोटों की बढ़त हासिल कर दी है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अगर बात करें हम, बीजेपी जो है वो फिलहाल आगे चल रही है। जी हां, उत्तराखंड में बीजेपी इस समय आगे चल रही है और बीजेपी ही लगभग जीतेगी भी। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो है वो ममता बनर्जी का, जैसा कि हम सब जानते हैं, डंका रहता ही है। ममता बनर्जी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में भी 2 सीटों में है, वहाँ भी बीजेपी बढ़त बनाई है, लेकिन वहाँ पर जो है वो सीधे तौर पर खुलेआम धांधली की खबर लगाकर कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है वो सीधे तौर पर बायकॉट कर दिया है। यहाँ आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि मतगणना सबसे ज़्यादा टक्कर कांटे की और चर्चा यूपी की घोसी की है, क्योंकि बीजेपी से इस्तीफा देकर, सपा से इस्तीफा देकर बीजेपी में गए थे, उनकी करारी हार हो रही है। और कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया था, ममता मायावती ने भी जो दलितों ने भी साइलेंटली वोट कर दिया समाजवादी पार्टी को, तो ये एक बड़ी खबर है। अब आप इसे कैसे देखते हैं, अपने सुझाव देना ना भूलें, जिस तरीके की ये रिजल्ट निकल के आए हैं त्रिपुरा और बंगाल समेत तमाम जगहों पर। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, राहुल गांधी ने ब्रसल्स में यूरोपीय संसद सदस्यों के साथ की बातचीत, मुद्दा कई शामिल रहा, मणिपुर मुद्दा भी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने यूरोप के 3 दिनों के दौरे पर शुरुआत करते हुए गुरुवार को ब्रसल्स में यूरोपीय संसद के कुछ सदस्यों के साथ बंद कमरे में बातचीत भी की है। इसमें पहले जुलाई में यूरोपीय संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसका शीर्षक इंडिया द सिचुएशन इन मणिपुर था। ब्रसल्स में हुई चर्चा संसद के आधिकारिक दैनिक एजेंडे में शामिल नहीं था। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने कहा है कि चर्चा सफल रही। कांग्रेस ने बैठक की पुष्टि करते हुए एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी ने यूरोपीय संसद के सदस्यों के साथ गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। सांसद अल्विना अल्मेत्सा और सांसद पियरे लैरुतरे ने इसकी मेजबानी की है। कांग्रेस नेता ने गुरुवार को इसके बाद मानवाधिकारों के मुद्दे पर केंद्रित नागरिक समाज संगठनों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और दिन का समापन बेल्जियम स्थित भारतीय प्रवासियों के साथ रात्रि भोज पर बातचीत के साथ हुई। राहुल गांधी शुक्रवार को ब्रसल्स में उद्योगपतियों के साथ बैठक और मीडिया से बातचीत के बाद पेरिस के लिए रवाना हो गए।
शुक्रवार को फ्रांस की राजधानी में मीडिया को संबोधित करते हुए उनका कार्यक्रम रहा। इसके बाद 11 सितंबर को राहुल गांधी नॉर्वे जाएंगे, वहां राजधानी ओस्लो में सांसदों से मुलाकात करेंगे और अनिवासी भारतीयों से भी मिलेंगे और ओस्लो विश्वविद्यालय में एक बैठक में हिस्सा भी लेंगे। तो ये राहुल गांधी का कार्यक्रम है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहाँ अगली खबर निकल के आई है मध्य प्रदेश में कमलनाथ के अथक प्रयासों के बाद भारतीय जनता पार्टी को लग रहा तगड़ा झटका। पूरी की पूरी बीजेपी शिवराज की हो रही खाली और केंद्रीय नेतृत्व के जो है वो रुझानों से भी शिवराज भी है टेंशन में। दरअसल वो हाल है शिवराज का कि शिवराज मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन उनके हाथों में कुछ है नहीं। इस वजह से शिवराज को भी अब लगने लगा है कि वैसे भी वो सीएम बनने वाले हैं नहीं, इसलिए उनका रुझान जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग दिख रहा है। जिस तरीके से वहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं के टिकट काटे जा रहे हैं और दूसरा सीएम शिवराज के ही खुद टिकट कटने के आसार हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, इस पर भी सवाल है। इसके बाद से अब सवालों के घेरे में शिवराज बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उन्होंने खुद ही जो है वो लोगों को फ्री हैंड कर दिया है। और खबर अब ये निकल के आ रही है कि समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जो है वो तगड़ा झटका लगने वाला है, खास करके भारतीय जनता पार्टी शिवराज सरकार को। मामा सरकार जो है वो फिलहाल अब हार की कगार पर पहुंचते नज़र आ रहे हैं। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें, जो कुछ सिचुएशंस हैं सिचुएशंस आपको कैसे दिख रही हैं, क्या वाकई में अगर आप भी मानते हैं कि फ़िलहाल हार जो है वो तय मानी जा रही है, तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना न भूलें। अपने सुझाव दें, आपको क्या लग रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, विग ब्रेकिंग, जहां बनारस में जो है वो तबलीगी जमात के खिलाफ हुई कार्रवाई गैरकानूनी और असंवैधानिक, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, बनारस में कुछ दिन पहले तबलीगी जमात के ऊपर कार्रवाई हुई थी और तबलीगी जमात के ऊपर जो कार्रवाई हुई थी उस पूरे मामले में जो है वो खास करके मुस्लिम मस्जिद में गए हुए थे, वहाँ उन्हें मस्जिद में नमाज करने से रोक दिया गया है। और यही कारण है कि अब इस पूरे मामले में जो है सीधे तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूपी पुलिस पर नाराज़गी जताई है और कहा कि ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं, इन सब चीज़ों को जो है वो सही करना चाहिए और अगर जल्द से जल्द सही नहीं किया गया तो ये ठीक नहीं होगा। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूले, जिस तरीके की ये चीज़ें निकल कर आ रही है तबलीगी जमात को रोक दिया गया। एक और अपडेट निकल के आई है आरा से निकल के, आरा में चहलुम के ताजिया पर जुलूस पथरा, माहौल बिगाड़ने की कोशिश, दो गिरफ्तार। बिहार के आरा में हिंदुत्ववादी संगठनों के लोगों ने जो है वो देर रात जुलूस के दौरान शरारती तत्वों ने पथराव कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। अचानक ईंट पत्थर चलने से जुलूस में जो है वो भगदड़ मच गई, माहौल ख़राब हो गया, लोग जो है वो भगदड़ की सिचुएशन पे इधर उधर मचलने लगे। अब खबर निकल के आई कि इसे शांत करने की कोशिश की गई लेकिन फिलहाल माहौल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो तरह ही जय हिंद जय भारत।